गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैनचेस्टर के बाद अब हमारा सफर पहुंच चुका है एक बार फिर लंदन में। अब भारतीय टीम को अगला मैच 22 तारीख को खेलना है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे पास 6 दिन का ब्रेक है, लेकिन रोज़ की तरह हम एक बार फिर एक इंडियन फूड की तलाश में लंदन की सड़कों पर निकल चुके। इस वक्त हम मौजूद हैं लंदन के मार्बल आर्क में, और रोज़ की तरह हम भी भाई इंडियन फूड की तलाश में निकले तो हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम है पख्तून। ठीक हमारे पीछे आप वो रेस्टोरेंट देख सकते हैं पख्तून। और अब अगर आप लंदन आए तो आपको भारतीय चाय का चस्का लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम पख्तून पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर भारतीय चाय का भी पूरा इंतज़ाम है, कड़क चाय का भी पूरा इंतज़ाम है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये ठीक कड़क चाय का बोर्ड लगा हुआ है। तो हम भारतीय खाने की तलाश में पख्तून में एंट्री करते हैं और पता करते हैं कि आखिर यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मौजूद है। जी हाँ, तो अंदर चलते हैं पख्तून के। सुना है यहाँ पर बहुत लजीज खाना मिलता है, बहुत ही शानदार तरीके का मेन्यू। आपको थोड़ा मेन्यू दिखा देते हैं पख्तून का। पख्तून के मेन्यू में आपको दिखेगा बिरयानी दिखेगी। सबसे पहले तो भारतीय बिरयानी, तंदूरी रोटी, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके का, बहुत ही लजीज लग रहा है ये मेन्यू हमको देखने में। तो हम पख्तून के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पख्तून में और क्या क्या खासियत है, कैसा खाना है वहाँ पर, किस तरह के लोग वहाँ पर खाना खाने आते हैं। तो चलते हैं पख्तून में। इस वक्त हम पख्तून रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा हाउस फुल है और ज़्यादातर लोग भारतीय लग रहे हैं खाना खाने के लिए, भारतीय खाना खाने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैच देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैच देखने के बाद, कल भारतीय मैच का लुत्फ उठाने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ भारतीय लोग भी मौजूद हैं और इंडियन खाने का मज़ा लेने आए हैं। हम दिखाते हैं आपको चारों तरफ, कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या वो लगातार यहाँ पर आते हैं या फिर आज इसी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहित। मोहित जी, आप बताइए, आप पख्तून में जब आते हैं तो मतलब किस तरह के खाने की तलाश में आते हैं, क्या सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? देसी शुद्ध खाना, रियल टेस्ट और फ्रेंडली स्टाइल। अच्छा, सबसे बढ़िया खाने में यहाँ पर आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी डिश है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? दाल मखनी और नान। वाह। अच्छा, मैंने बाहर कड़क चाय का बोर्ड भी लगा देखा, क्या कड़क चाय में वो मज़ा है जो भारतीय चाय में होता है अक्सर, जो घर की चाय? हाँ, लंदन में आकर मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन पख्तून में जब आया तो मैंने चाय पी तो बड़ा आनंद आ गया। एक बार पी के देखिए, दोबारा आएंगे। तो जी हाँ, ये है लंदन के ही रहने वाले शायद, तो ये लंदन के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर भारतीय खाने की तलाश में आते हैं, घर के खाने की तलाश में आते हैं। और भी आपको लोगों से बात कराएंगे, यहाँ के शेफ़ से भी बात कराएंगे। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यहाँ के शेफ़ से बात कराते हैं। ये यहाँ के ऑर्डर लेने वाले मैनेजर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एक नेलो। नेलो जी, ये बताइए किस तरह के कितने लोग आते हैं, क्या इंडियन ही लोग आते हैं या बाकी देशों के लोग भी आते हैं? अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस फूड की डिमांड होती है यहाँ पे, क्या तंदूरी चिकन, क्या बटर चिकन की डिमांड होती है? बाहर मैंने चाय का बोर्ड लगा दिया था, चाय का क्या चाय के बारे में बताइए, क्योंकि भारतीय चाय का मजा मिलना थोड़ा लंदन में मुश्किल हो जाता है। चीफ मिनिस्टर हमारा मोदी का चाय। अच्छा, मतलब मोदी की चाय वाले की वजह से आपने चाय का मेन्यू भी रखा हुआ है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाय वाले हैं। हम बाकी लोगों से बात कराते हैं, शेफ से भी बात कराते हैं आपके साथ। एक सेकंड, अभी हम आपको शेफ के पास लेकर, चलिए आपको शेफ के पास लेकर चलते हैं। ये शेफ हैं इस रेस्टोरेंट के। सर, क्या नाम है आपका? इकबाल। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कब आपने ये रेस्टोरेंट शुरू किया और किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं? मैंने सुना भारतीय टीम के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं कई बार मैच जीतने के बाद, दो तीन बार आ चुके हैं हमने यहाँ पे, चैंपियनशिप जीता था, उसमें भी आए थे लोग, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं किसी और को लेकर। अच्छा, यहाँ पर सबसे खास डिश क्या है यहाँ पे खाने में? यहाँ पे हर खाना जितना भी है बहुत छोटा मेन्यू, सारा खाना यूनिक है। तो आई ईट माय फूड। आप खुद बनाते हैं? मैं खुद बनाता हूँ और खुद खाता हूँ यहाँ पे, तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो ये थे इस रेस्टोरेंट के शेफ इकबाल भाई, जिनका ये कहना है भारतीय खाने की लज्जत को उन्होंने बरकरार करने के लिए शुरू किया है। और भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे लंदन के साथ, लंदन से बने रहिए हमारे साथ।